दोस्तों अगर आप भी भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच पांचवा और अंतिम T20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार पांच मैचों की T20 सीरीज में 2-2 की बराबरी के बाद आज भारतीय टीम पांचवा T20 मुकाबला पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के लिए मैदान पर उतर चुकी है, जहां हरमनप्रीत कौर ने पिछले मुकाबले में हुई कमियों के बाद टीम में कई बदलाव कर डाले हैं। आखिरकार टॉस के बाद मुकाबला शुरू हो गया। स्मृति मानधना सैफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत करते हुए धमाकेदार अंदाज से रन बनाने भी शुरू कर दिया। आखिर मुकाबले की क्या चल रही है लाइव अपडेट, कौन पहुंच गया शतक के करीब, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से अंतिम और पांचवा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों से ठीक पहले UAE पहुंच चुकी थी। और दोस्तों यहां पर पांच मैचों की T20 श्रृंखला जो इन दोनों टीमों के बीच खेली गई वो यादगार रही, क्योंकि पहले दो मुकाबले टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से जीत लिए थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम तो अभी भी वही पुरानी कमजोर टीम है जो कि भारत के खिलाफ जीत नहीं सकती। लेकिन तीसरे और चौथे T20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, जिसके बाद यह कयास लगने लगे कि अब तो यह श्रृंखला भारत के हाथ से जा चुकी है और अब पांचवे T20 मुकाबले का इंतजार पूरा भारत देश बेसब्री से कर रहा था। क्योंकि दोस्तों चौथा T20 मुकाबला टीम इंडिया बस जीतने की कगार पर ही थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर की एक बेवकूफी के चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बारी है उन गलतियों में सुधार कर पांचवा T20 मुकाबला आज जीतने की। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच अगर आप भी यह पांचवा T20 मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला आप सभी को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर नहीं दिखाया जा रहा है। आप सभी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण फ्री में UAE से मात्र दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से जियो सिनेमा ऐप पर ही देख पाओगे, जहां यह मुकाबला हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में दिखाया जा रहा है। वहीं दोस्तों इस मुकाबले की जब शुरुआत हुई तब सबको पता था कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुनेगी और यहां पर हुआ भी यही। और दोस्तों जब भारतीय टीम की तरफ से सैफाली वर्मा और स्मृति मानधना पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी तो दोनों बल्लेबाजों ने आज एक सदी हुई शुरुआत टीम इंडिया को दिलाई। हालांकि इस मैदान पर तेज गति से रन बनाने के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं और स्मृति मानधना और सैफाली वर्मा ने आते संग ही शुरुआत में छक्के चौकों से पारी की शुरुआत की, जिसके चलते खूब मैदान पर रन बरसते हुए नजर आए। इस दौरान पाकिस्तान महिला टीम की गेंदबाज एमन अनवार, नसरा संधु भी उनके आगे सर झुकाती हुई नजर आई। और वहीं दोस्तों यहां पर सैफाली वर्मा ने आज पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े तो वहीं स्मृति मानधना ने अपना शतक पूरा करते हुए यहां 108 रन की शतकीय पारी खेली। हालांकि अभी फिलहाल में हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पारी का भार संभाल रखा है और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अगर टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 250 से ज्यादा रन बना दिए तो यहां पर T20 में फिर पाकिस्तान की टीम का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और भारतीय महिला टीम 3-2 से इस श्रृंखला को अपने नाम कर लेगी। बाकी अगर बात करें प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों आप सभी को जो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करती हुई नजर आई है उसमें स्मृति मानधना और सैफाली वर्मा का नाम है, तो वहीं टीम का हिस्सा जमायमा रोड्रिगिस, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह खेलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान महिला टीम के बारे में तो पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली, जावेरिया खान, बिस्मा मरूफ जो की पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रही है, तो वही निदा दार, सिद्रा अमीन, आयशा नसीम, आलिया रियाज, फातिमा साना, आयमन अनवार, नसरा संधु और सादिया इकबाल हम सभी को खेलती हुई नजर आ रही है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम पांचवा T20 मुकाबला अपने नाम करेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।